दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हो योगी आदित्यनाथ का इजराइल हमास जंग पर दिया गया वो बयान जो सभी मुस्लिम राष्ट्रों में वायरल हो रहा है। आखिर ऐसा क्या कह दिया योगी जी ने इजराइल हमास जंग को लेकर? उनका यह बयान आप इस वीडियो में आगे सुन पाएंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ तिजारा में बाबा बालकनाथ की जनसभा में आए थे और उन्होंने यहाँ पर यह बयान दिया, जिसको लेकर आजकल नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी चर्चाएँ हो रही है। आखिर इस बयान का क्या मायना है? तो अभी आप देखिए, ये योगी जी का काफिला आ रहा है, उसके बाद आगे की वीडियो में आप उनका बयान भी सुन पाएंगे। अभी अंदर जाके उनकी जनसभा को सुनते हैं। योगी जी का भाषण बहुत अच्छी वीडियो बनी, वीडियो को पूरी देखना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए कितना जन सैलाब उमड़ा है योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ की जनसभा में। पूरे राजस्थान में सभा का आगमन माना है, लाखों की संख्या में पब्लिक। पूरे राजस्थान में आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल बन रहा है, उस माहौल को हमको पूरे राजस्थान के हर विधानसभा तक पहुंचाना है। ये योगी जी का सम्मान है। इस राजस्थान विधानसभा के चुनाव का आगाज हमारे योगी जी ने किया है, और योगी जी का आगाज हो जो राजस्थान में विजय पताका के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, और राजस्थान के अंदर हर उस कोने में, हर उस बूथ के ऊपर, हर एक विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तब तो हमारे योगी जी का सम्मान है। बोलो, सम्मान करोगे? पूरे राजस्थान तक इस आवाज को पहुंचाओगे? पूरी एक सुनता के साथ में पूरा राजस्थान जीतेंगे? और जिस प्रकार से हमारे सितारा है, इस सितारा को सितारा बनाकर पूरे राजस्थान में चमकाने का मिलकर काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। और आप सबके बीच इंतजार की घड़िया समाप्त में आमंत्रित कर रहा हूँ। खड़े होकर एक बार जोरदार दोनों हाथे ऊपर करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज की मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ।
के भाषण सुनने के लिए आप सदैव प्रेरित रहते हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम्। वंदे मातरम्। वंदे मातरम्। बाबा गोरक्षनाथ की जय। बाबा गोरक्षनाथ की जय। जिस उत्साह और उमंग के साथ आप सब ने यहां पर मुझे सम्मान दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राजस्थान की धरती हमारे लिए पुण्य धरती है। देश की भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम वाली धरती है। कौन ऐसा स्वाभिमानी भारतीय होगा जो राजस्थान की धरती पर गर्व की अनुभूति न करता हो और उसी गौरव के प्रति आज नमन करने के लिए, इस धराधाम को नमन करने के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत तिजारा विधानसभा क्षेत्र से करने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। वहीं राजस्थान की गौरवशाली परंपरा को कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस देश की हर समस्या का नाम है। देश के अंदर आज जिन समस्याओं का समाधान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, एक एक करके समस्याओं का समाधान हो रहा है। वे सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। याद करिए, देश आजाद हुआ था, आजाद भारत में भारत माता के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण के लिए जो पीड़ा उठाया था, वे उसमें सफल भी हुए, लेकिन कांग्रेस ने देश को कश्मीर की एक समस्या दे दी, धारा 370 की एक समस्या, जिसका समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने करके धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील भी ठोक दी है। अब आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त होगा, लेकिन यह समस्या की देन है कांग्रेस। याद करिए, स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था, लेकिन कांग्रेस थी कि अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का समाधान होना ही नहीं देना चाहती थी। लेकिन मोदी जी आए और योगी जी आए, अयोध्या में राम मंदिर की समस्या का समाधान हो चुका। डबल इंजन की सरकार यही है, जो समस्या है उसका समाधान करने का नाम ही डबल इंजन है। मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से, अशोक गहलोत जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, हमने पौने तीन करोड़ गरीबों के लिए एक एक शौचालय भी बनाए और 55 लाख गरीबों को एक एक आवास भी उपलब्ध करवाए हैं। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को
उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रखा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे फ्री में उपचार की व्यवस्था होगी। हर घर नल योजना के लिए उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी के राज्य में प्रभावी ढंग से हम लागू कर रहे हैं योजना को। हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है। अब तक हम लोगों ने 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त कर ली है और मुझे ये भी बताया गया है कि तेजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गांजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। याद रखना, अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, व्यापारियों का शोषण करेंगे, अपहरण करेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करेंगे, गौ तस्करी का काम करेंगे, मठ और मंदिरों को नुकसान पहुंचाएंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग नहीं मनाने देंगे। और इस पर लगाम लगाने के लिए आज आवश्यकता है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और बाबा बालकनाथ जी आज आपके पास सामने है। भाई साहब कोई नारा थे भाई कबार नहीं देखते लग रहा है अभी ड्रोन वालों को